class, welcome to Erudite School of Learning, and this is your 7th lecture in the series of Basic Mathematics. Last class में हम सभी ने सीखा था कि subtraction कैसे निकालते हैं, और हमने जो subtraction किए थे वो अपनी fingers का use करके किए थे. आज हम इन्हीं fingers की lines को use करके subtraction निकालना सीखेंगे. ठीक है, आप सभी को मेरे साथ हैंड्स ऐसे खोलने हैं और काउंट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि फिंगर से हम सब्ट्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, नाउ बेसिक मेथड तो हमें पता ही है कि सबसे पहले जब भी हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम बैकवर्ड्स, पीछे से हम जो हैं सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऑपरेशन चाहे सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो या फ्यूचर में जब हम मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो पीछे से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब राइट साइड से. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा पैर है, 4 और 1. अब यहाँ आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला छोटा. बड़ा कैसे पता करते हैं, जो काउंटिंग में बाद में आता है, ब से बाद में, तो ब से वो बड़ा होता है. ठीक है, सपोज़ काउंटिंग में सबसे पहले क्या आता है, 1, फिर क्या आता है 2, फिर क्या आता है 3, फिर क्या आता है 4, 5 एंड सो ऑन. तो 2 1 से बड़ा हुआ क्योंकि 2 क्या आता है, 1 के बाद में. 3 क्या आता है, 2 और 1 के बाद में, तो 3 2 और 1 दोनों से बड़ा हुआ. तो मतलब जब भी 3 माइनस 1 लिखा होगा, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 3 जो है 1 से बड़ा है और हम इसको माइनस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्पेशली नेक्स्ट क्लास से जब हम बोरो वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये कंसेप्ट काम में आएगा. तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि जो नंबर बाद में आता है वो अपने पहले वाले नंबर से बड़ा होता है, सभी पहले वाले नंबर से बड़ा होता है. 3 से पहले जितने भी नंबर आते हैं उन सब से 3 बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, 5 4 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है. तो जो पहले आता है वो छोटा होता है और जो बाद में आता है वो बड़ा होता है. तो यहाँ पे जो 4 है वो 1 के बाद में आता है, तो 4 बड़ा हुआ, तो 4 में से हम 1 माइनस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास 4 एप्पल होंगी तभी तो आप एक एप्पल दे सकेंगे. अगर आप 4 पेंसिल लेके आए हैं क्लास में तभी तो आप 1 पेंसिल अपने फ्रेंड को दे सकेंगे, राइट. तो सिमिलरली आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी कि हमें बड़े में से ही छोटा माइनस करना है. नाउ अब बात आती है कि हम लाइंस का इस्तेमाल करके कैसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, जो भी छोटा नंबर होगा हमेशा नीचे वाला छोटा होना चाहिए ऊपर वाले से. जो छोटा वाला नंबर है उसके बाद से काउंटिंग बोलनी है, कहाँ से बोलनी है, बाद से. मतलब 1 लिखा हुआ है तो हमें 1 से नहीं बोलनी है, 1 के बाद से बोलनी है, और 1 के बाद क्या आता है, 2. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते वक्त काउंटिंग बोलेंगे तो छोटे वाले नंबर के बाद से बोलेंगे या फिर नीचे वाले नंबर के बाद से बोलेंगे. और काउंटिंग कहाँ तक बोलेंगे, जहाँ तक ऊपर वाला नंबर लिखा हुआ है. ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर लिखा हुआ है वहीं तक आपको काउंटिंग बोलनी है. ठीक है, तो ये मेथड कैसे करना है अभी हम सीखते हैं. आप सभी अपने फिंगर्स ऐसे खोल लीजिए. ठीक है, मैंने क्या सिखाया आपको कि हमें काउंटिंग बोलनी कहाँ से है, छोटे वाले नंबर के बाद से. हमें ये चीज़ तो आ गई कि छोटा बड़ा कैसे पता करते हैं. ठीक है, तो 1 हमें पता लग गया छोटा है और 4 बड़ा है, तो छोटे वाले के बाद से, मतलब नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसके बाद से काउंटिंग बोलनी है. मतलब 1 के बाद क्या आता है, 2, तो 2 से काउंटिंग बोलनी है. यहाँ पर ये जो पहली लाइन है हमारी, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, आप जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं आप स्टार्टिंग इसी फिंगर से कीजिए, जो सबसे छोटी फिंगर है, लिटिल फिंगर, इसी से आपको जो है काउंटिंग स्टार्ट करनी है ताकि कभी आपसे गलती ना हो. ठीक है, तो 1 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे, मतलब 1 के बाद क्या आता है, 2, तो 2 से काउंटिंग बोलेंगे हम. ठीक है, और कहाँ तक बोलेंगे, जब तक ऊपर वाला नंबर नहीं आ जाता. ठीक है, तो बोलते हैं 1 के बाद से 2 3 4. आ गया 4, 4 तक ही बोलनी थी, 4 कहाँ आया है, यहाँ पे, यहाँ से अपना थंब हिलना नहीं चाहिए. ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जहाँ पे हम जितनी लाइंस हमने 4 तक आने में लगी हैं वो सारी आपको काउंट करनी है. तो टोटल कितनी लाइंस हुई, ये पहली लाइन 1 2 एंड 3, कितनी लाइंस हुई, 3 लाइंस. तो हमारा आंसर भी क्या होगा,
इजी। तो अब से हम ऐसे ही फिंगर्स पे काउंट करेंगे, अभी और एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से हमें ये चीज़ आ जाएगी। अब हमें कौन सा पेयर सोल्व करना है, 8 और 3 वाला। क्लियरली हमें पता है कि काउंटिंग हम सभी को आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कब आया, 3 के बाद। मतलब 3 जो पहले आया वो क्या होगा, छोटा, जो बाद में आया वो क्या होगा, ब से बाद में, मतलब ब से बड़ा। तो 8 बड़ा हुआ, 3 छोटा हुआ। तो ये चीज़ तो हमें पता लग गई कि ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है। हमें नीचे वाले के बाद से ही काउंटिंग बोलनी है, मतलब छोटे वाले के बाद से। तो 3 के बाद क्या आता है काउंटिंग में, 4। तो हम 4 से काउंटिंग बोलेंगे, और कहाँ तक बोलेंगे, ऊपर वाले नंबर तक। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 8, मतलब हमें 4 से काउंटिंग बोलनी है। जो पहली लाइन है यहाँ हमें 4 से काउंट करना है, और कहाँ तक काउंट करना है, 8 तक। तो 4 5 6 7 8, जैसे ही 8 आ गया हमको यहीं रुक जाना है, ठीक है। यहाँ से स्तंभ को हिलाना नहीं है, नहीं तो आंसर फिर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो स्तंभ को आपको बहुत केयरफुली यूज़ करना है। अब बस हमें टोटल लाइंस काउंट करनी है, 1 2 3 4 5, बस इतना सा डिफरेंस है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कि हम काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं, छोटे वाले नंबर के बाद से, कब तक, बड़े वाले नंबर तक। और जितनी लाइंस आती हैं उस नंबर तक पहुँचने में, उन सभी को हम काउंट करके और लिख देते हैं। तो अभी हमारी काउंटिंग कितनी आई, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5। अब सभी को मेरे साथ काउंट भी करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, राइट। पीछे वाला नंबर पेयर कौन सा है, 5 और 4 का, ठीक है। हमें काउंटिंग पता है, 1 2 3 4, फिर 5। पहले 4 आता है, फिर 5 आता है। 4 जो पहले आता है वो छोटा होगा, जो बाद में आता है वो बड़ा होगा। तो 5 में से 4 माइनस हो सकते हैं, ठीक है। तो 5 में से 4 जब हम माइनस करेंगे, तो हमें क्या सीखा हमने, काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं, छोटे वाले के बाद से। छोटा कौन है यहाँ पे, 4। तो 4 के बाद से काउंट बोलेंगे, और कहाँ तक बोलेंगे, जब तक 5 नहीं आ जाता। तो 4 के बाद हमें तब तक काउंटिंग बोलनी है जब तक 5 नहीं आ जाता। तो 4 के बाद से काउंटिंग बोलनी है, 5। ओ, ये तो एक ही लाइन में 5 आ गया, ठीक है, एक ही लाइन में 5 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर भी क्या होगा, बस ये एक लाइन, 1, राइट। और ये चीज़ तो हमें पता ही है, अगर हम फिंगर से भी करके 5 पेंसिल में से अगर आपने 4 दे दी, तो आपके पास कितना बचा, ओनली 1। 5 में से 4 दे दी आपने, 1 2 3 4 दे दी, तो कितनी बची आपके पास, ओनली 1। सो 5 माइनस 4 कितना होगा, 1, ठीक है। अब हमें क्या माइनस करना है, 5 में से 2, ठीक है। तो वापस से हमें पता है 2 छोटा है और 5 बड़ा है, तो काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, नीचे वाले के बाद से, मतलब 2 के बाद से, और कहाँ तक, 5 तक। तो हमें 2 के बाद से काउंटिंग बोलनी है, 2 के बाद क्या आता है, 3, ठीक है, फिर 4 और फिर 5। तो 5 कहाँ पे आया हमारा, यहाँ पे। काउंटिंग कहाँ से बोली थी, 2 के बाद से, 3 4 5। 2 के बाद 3 आता है, तो 3 यहाँ पे, फिर 4 यहाँ पे, और 5 यहाँ पे। 5 तक ही बोलनी थी क्योंकि ऊपर वाला नंबर क्या है, 5 है। तो अब हमें बस सिर्फ एक टोटल नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है, कितनी हुई हमारी, 1 2 3। तो आंसर विल बी 3। इजी। अब आपको सभी को ये अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, बार बार फिंगर से, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 माइनस 2, फिर से हमें काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 2 के बाद से, कब तक, जब तक 6 नहीं आ जाता। तो हम सभी को काउंटिंग आती है, हाथ फिर से खोल लीजिए अपने। 2 के बाद क्या आता है, 3। तो 3 से बोलेंगे, कहाँ तक बोलेंगे, 6 तक। तो 3 4 5 6 आ गया, 6 कहाँ पे आया, 6 इस लाइन पे। तो थंब को बिल्कुल यहीं पे रोक देंगे हम, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये लाइंस काउंट करनी है, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4, मतलब 4 लाइन लगी हमें 6 तक जाने में। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4, ठीक है। नाउ 7 माइनस 7, नेक्स्ट पेयर क्या है हमारा, 7 माइनस 7। लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ सीखी थी कि जब भी सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस होता है, ठीक है, 1 में से 1 गया, 0, 2 में से 2 गया, 0, 3 में से 3 गया, 0, 4 में से 4 गया, 0, 5 में से 5 गया, 0। तो ऐसे जब आप नंबर देखें तो आपको पता लग जाना चाहिए कि 7 में से अगर 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 में से 7 चला गया तो कितना बचा, 0 ही बचेगा।
आपके पास 7 पेंसिल्स हैं और 7 की 7 पेंसिल्स आपसे ले ली जाए वापस, तो आपके पास कितनी बचेगी? 0 पेंसिल्स। ठीक है, तो यह हो गया आपका 0। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 76 माइनस 72 इज इक्वल्स टू 4। पहले ज़ीरो कितने भी लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 4 से लेफ्ट में कितने भी ज़ीरो लगाओ नंबर क्या रहता है, वही रहता है 4। हाँ, 4 के अगर आगे एक ज़ीरो लगा दिया तो क्या बन जाता है वो 40। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इससे पहले हम कितने भी ज़ीरो लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नंबर क्या रहता है सेम। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 ही है, ठीक है। ये ज़ीरो की कोई वैल्यू अभी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हम पीछे से फ्रॉम बैकवर्ड वी विल स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। 3 और 3 दोनों सेम नंबर हैं, मतलब 3 में से 3 माइनस करना है, ठीक है। अभी हमने सीखा है लास्ट क्वेश्चन में भी कि सेम में से सेम नंबर माइनस करते हैं तो क्या आता है, 0। तो जब भी दोनों तरफ सेम नंबर हो और माइनस का साइन हो तो आपको पता होना चाहिए 3 में से 3, 4 में से 4, 5 में से 5, 6 में से 6, 7 में से 7, 8 में से 8, 9 में से 9, माइनस करेंगे तो आएगा क्या, 0 ही आएगा। 3 थे उससे 3 ही ले लिए, 3 में से 3 चला गया तो 0 ही आएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेयर 9 और 4, ठीक है। अब वही 4 के बाद से हम क्या करेंगे, काउंटिंग, और कहाँ तक बोलेंगे, 9 तक। काउंटिंग कहाँ से बोलनी है ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, नीचे वाले के बाद से, मतलब 4 के बाद क्या आता है, 5। तो काउंटिंग भाई कहाँ से बोलेंगे, 5 से ही बोलेंगे, मतलब हमें फिंगर्स खोलनी है और 5 से काउंटिंग शुरू करनी है। काउंटिंग करनी कहाँ तक है, 9 तक, जो ऊपर वाला नंबर है वहीं तक हमें काउंट करना है। तो शुरू करते हैं 5 से काउंटिंग, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। और जैसे ही हमारा 9 आ गया, ऊपर वाला नंबर आ गया, हमें वहीं थंब रोक देना है और सिंपली ये लाइंस काउंट करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और फिर जितनी लाइंस हमारी आई हैं उनको बस यहाँ पे हम एज अ रिज़ल्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो 93 माइनस 43 कितना आया हमारा, 50। जिन बच्चों को सब्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं आता है उनको ये वीडियो फिर से देखनी है, ठीक है, अच्छे से समझना है, फिर से बार बार आपको ये फिंगर से प्रैक्टिस करनी है, क्रॉस चेक करने हैं अपने आंसर्स, ठीक है। उसके बाद आपको योर टुडेज़ होमवर्क इज़ दिस 8 क्वेश्चंस अगेन, ठीक है। ये 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं अच्छे से, पहले समझना है, बार बार लेक्चर को देखिए जो हमने आज क्वेश्चन किए हैं चारों, है ना, ये अच्छे से देखिए, इसको समझिए, उसके बाद आपको ये सॉल्व करने हैं। और रात को 9 बजे से पहले आपको जो भी आपका सॉल्यूशन जहाँ भी आप करते हैं उसका फ़ोटो खींच के स्कूल वाले नंबर पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल टेक क्वेश्चंस विद बोरो वंस नाउ, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो करेंगे वो बोरो वाले क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ तक आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बार बार आप फिंगर से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जैसे सेम में से सेम नंबर माइनस करते हैं तो 0 आता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, ओके। सो फॉर नाउ थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।